প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর জন্মদিন কলকাতার রবীন্দ্র সরণিতে ভারতীয় জনতা পার্টি জোদাশাকো মণ্ডলে জন্মদিন পালিত হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মানুষের মধ্যে এক অন্যরকম শ্রদ্ধার অনুভূতি দেখা যায়। আইটি সেলের কিষাণ শর্মার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর সহকর্মীরা কমলেশ সিং, জেলার বস্তির আহ্বায়ক সেল এবং মহিলা মোর্চার সহসভাপতি রুবি ব্যানার্জিও এই কর্মসূচিতে অবদান রেখেছিলেন। जब इस धरती पर स्वामी विवेकानंद थे तो भारतवर्ष के कोई भी लोग ऐसा नहीं समझ पाए कि विवेकानंद एक महापुरुष हैं और उनकी पूजा भारतवर्ष में होगी। जब हमारे बीच से विवेकानंद जी चले गए तब उनकी महत्व हमें समझ में आई। नरेंद्र भाई मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आज जिस उम्र में जिस प्रकार से वह 17 घंटा 18 घंटा इस भारत वर्ष के लिए खटते हैं और उनका एम क्या है, आज देखिए भारत वर्ष की राजनीति में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष को कैसे विकसित बनाया जाए इस मुहिम के साथ वो पूरे भारत वर्ष के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। और ऐसा विश्व में कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी को न मानता हो और न उन्हें इज्जत देता हो। देखिए भारतवर्ष को क्या हुआ, भारत की वही धरती है, भारत के वही लोग हैं, भारत की वही अर्थव्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों ने चुनकर भारत के तख्त पर बैठाया और उसने पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के तरफ विकसित कर दिया, उसके रास्ते खोल दिए। आज विश्व में कहीं भी कोई बड़ा विघटन होता है उसमें भारत को ही आशा किया जाता है कि भारत ही इसको समझा सकता है। आज देखिए रूस और यूक्रेन के अंदर में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, विश्व के बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो अपने आप को बड़े तानाशाह समझते हैं, लेकिन उनका भी ये हिम्मत नहीं है कि पुतिन के सामने बैठकर और पुतिन को कस दें कि आप जो है ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसे युद्ध को बंद करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी भारत के ये प्रधानमंत्री पूरे विश्व को उनके सामने बैठकर और पुतिन को भी कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, आप युद्ध को बंद करिए, और यूक्रेन को भी जाकर कहा, और पूरा विश्व इस युद्ध को रोकने के लिए भारत के तरफ देख रहा है। और इसी प्रकार भारतवासी जिस प्रकार से बहुत सारे संकटों में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उस संकटों से निकल कर आए हैं और देश का अर्थव्यवस्था आज हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में है। नरेंद्र भाई मोदी का ये नेतृत्व है कि भारत विश्व का 3रा अर्थव्यवस्था बने और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि भारत विश्व का 3रा अर्थव्यवस्था जरूर बनेगा। और हम सब पूरे भारतवासी ये कामना करते हैं आज के दिन कि नरेंद्र भाई मोदी स्वस्थ रहें और भारत का और वो कई वर्षों तक सेवा करें, भारत के और लोगों को, भारत देश को और वो विकसित बनाएं। वंदे मातरम भारत माता की। जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, हर साल मैं बड़े रूप में मनाता हूँ, लेकिन इस बार आर्जिकल का हादसा सुन के इसलिए छोटे रूप में मनाया गया है। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी में श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वैक्सीन का वर्तक किया, जो लोग बोलते थे 370 नहीं हटेगा, उन लोगों को भी हटा के दिखाया और फिर राम मंदिर बनवाया, मंदिर वहीं बनाए, तारीख नहीं बताएं, राम मंदिर वहीं बनाए, प्लस फिर इतने देश से सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री जीवन में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। वंदे मातरम भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी केवल भारत के नहीं विश्व स्तर पर उनका नाम चल रहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का यह 74वां जन्मदिवस है, हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यशैलियों से आज पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। भाई किशन द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, हम सभी सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम और भी भव्य तरीके से होता, लेकिन तत्कालीन पश्चिम बंगाल की स्थिति, बहन हमारे जो हमारी बहन के साथ आरजीकल में हुई दुर्घटना के कारण हम कार्यक्रम बहुत ही छोटे रूप में सामान्य तरीके से पालन किया गया।